खबर टीवी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माँ दुर्गा के नौ रूपों की 9 दिन तक पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी और भक्त माँ की भक्ति में डूबे रहेंगे। इसी के साथ मैं सागर के सबसे प्रसिद्ध बागराज मंदिर में आई हूँ और माँ हरसिद्धि यहाँ विराजमान है, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसलिए यहाँ पर माँ का नाम मनोकामना पूर्ण देवी भी रखा गया है। आज हम माँ की आराधना करने यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ के दर्शन आपको करवाएंगे, तो चलिए माँ के दर्शन करते हैं। से बात करते हैं जो माँ की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस बार क्या खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। श्री माँ हरसिद्धि देवी बागराज मंदिर पर नया संवत्सर प्रारंभ होते ही नवरात्रि का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रातः काल से 4 बजे से निरंतर भक्तों का आना जाना लगा है। माता रानी से सब मन्नतें मांगते हुए जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं। भले भक्तों के मन में उत्साह है, नया मंदिर का निर्माण हुआ है, जीर्णोद्धार, माँ भगवती को नए रूप में दर्शन करके, साथ में कोरोना से शांति के कारण लोगों के मन में बड़ा उत्साह है, वो भक्ति मन में और आत्मा में जागृत है। इसी को लेकर के श्री माँ हरसिद्धि बागरा क्षेत्र पर सत्चंडी महायज्ञ, मंदिर नए निर्माण का पूजन, भगवती का पुनः जीर्णोद्धार का पूरण नवरात्रि पर विशेष महत्व के रूप में रखा गया है, उसी को लेकर के सारी तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि माँ की जो स्थापना है तो उसकी क्या कैसे माँ की स्थापना हुई, यहाँ पर कुछ खास मान्यता है वो भी आप हमें बताएं। यहाँ बागराज नाम है, जो यहाँ कभी पूर्वजों के द्वारा 16वीं-17वीं शताब्दी का लेख है कि यहाँ भगवती की यहाँ लोग आते थे तो उनको शेर के दर्शन हुए, शेर कई रूपों में परिवर्तित होकर के भटके हुए राहगीरों को राह पर पहुंचा करके और माँ भगवती की सेवा में निरंतर रहा करते थे। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण अपने को देखने मिलते गुफाओं के रूप में, और कभी कभार जिसके भाग्य में या जिसकी किस्मत में हो तो अजगर के रूप में या काले नागों के रूप में दर्शन होते हैं। अभी जो 2 साल से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, इसमें सभी कलाकार बाहर के थे, राजस्थान से और अन्य राज्यों से थे, तो उन्होंने देखा उनके बिस्तरों में, उनके मिशनरी में, उनके इस कलाकृति की वस्तुओं में बैठे और किसी को कुछ नहीं बोलते, वो दर्शन करते डर जाते। अपन ने कहा डरो मत, ये सारे आपकी व्यवस्था और सुरक्षा के लिए हैं। तो जैसा आपने सुना कि पंडित जी ने बताया, यहाँ की जो स्थापना है वो जो बागराज यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर पहले बाघों का पहरा रहता था पंडित जी ने जैसा आपको बताया, तो इस वजह से यहाँ का नाम बागराज पड़ा है। तो चलिए जानते हैं, आगे भक्तों से भी जानते हैं कितने उत्साहित हैं वो, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं यही की हूँ, सोमनाथपुरम कॉलोनी की रहने वाली। तो आप मतलब पहली बार आई हैं या आती रहती हैं? मैं बचपन से यहीं आती हूँ। और क्या मतलब 2 साल बाद जो कोरोना में मंदिर के दर्शन हो पा रहे हैं, तो क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर नया तरीके से डेवलप हो गया तो बहुत सुंदर भी लग रहा है, आने का मन करता है। पहले भी बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब जो नए तरीके से बन गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत सुंदर लगता है, देवी जी भी बहुत सुंदर है यहाँ की, तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रह जाऊँ, मन अच्छा रहता है यहाँ पे, शांत। चलिए आइए हम और भी किसी से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तिलकगंज से। क्या नाम है आपका? विनोद साहू। तो आप माता के मंदिर में जो आए हैं तो इस बार थोड़ा अलग अंदाज लग रहा है, मंदिर बना हुआ है, तो कैसा क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए क्या है, भक्तों का यहाँ इस मंदिर से काफ़ी सारे भक्तों की आशाएं रहती हैं। मैं भी पिछले 8-10 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, माता सबकी मनोकामना पूरी करती है और सबसे बड़ी बात तो ये कि माता जो बैठी है साक्षात बैठी हुई है। यहाँ पर कोई भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है तो माता जी उसकी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और मंदिर में जो उन्होंने कायाकल्प किया है, सब माता रानी की इच्छा से और सब भक्तों के सहयोग से जो मंदिर का कायाकल्प प्राचीन संस्कृति के अनुसार उन्होंने कायाकल्प कर दिया अपने मंदिर का, ये मतलब सागरवासियों के लिए बहुत बड़ी देन है। और इतना सुंदर मंदिर तो शायद सागर में
नहीं देखा होगा, माता रानी की कृपा से बहुत सुंदर मंदिर हो गया और यहाँ सबके सब भक्तों के दुख तकलीफ सब परेशानी बाधाएं दूर कर दी माता, साक्षात विराजमान है यहाँ माता। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? तकरीबन मुझे 9 से 10 साल हो गया यहाँ आने में। तो देखिए यहाँ पर मतलब जितने भी भक्त आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आकर्षक का अगर जो केंद्र है तो वो बना हुआ है न्यू मंदिर, जिस प्रकार से ये इसकी कलाकारी की गई है नए ढंग से, तो सभी को बहुत ज़्यादा लुभा रहा है और साथ ही साथ माता के दर्शन भी पहली बार 2 साल के बाद करीब हो रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा भक्तों में उत्साह है। तो चलिए हम और भी किसी से बात करते हैं, आगे जानते हैं। चलिए तो कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनको दर्शन करके कैसा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं मकरोनिया दीनदयाल नगर से आई हूँ। तो देखिए मकरोनिया दीनदयाल इतने दूर से आई हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि ये आई किस वाहन से, है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप किस वाहन से आई हो, ये ज़रूर बताओ हमें। मैं 2-व्हीलर स्कूटी से आई हूँ। अच्छा, तो धूप का कुछ क्या मतलब लगा कि धूप है इतनी तेज और इतने दूर से आप आई हो, तो धूप नहीं लगी आपको? नहीं, मंदिर आने दर्शन करने के लिए कोई धूप नहीं, रोज थोड़ी आते नवरात्रि पे ही आ पड़ता, वो पहले से ज़्यादा सुंदर मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मन को शांति मिलती है। आप कहाँ से आई हैं? भोपाल से। भोपाल जी, तो सुना आपने ये भोपाल से आई हैं और दर्शन करेंगी, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि शहर के जो श्रद्धालु हैं वो तो आते ही हैं, साथ ही साथ और भी जगह के श्रद्धालु यहाँ आकर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। तो चलिए इनसे भी जानते हैं इनको कैसा लगा। आप क्या पहली बार आई हैं यहाँ? जी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लगा जी। तो जो मेला लगा हुआ है, तो क्या मेला आपने घूम लिया या अभी घूमेंगी आप? अभी घूमेंगे। तो भैया इस बार तो मेले का आयोजन भी हुआ है, आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल मेले का भव्य आयोजन भी हुआ है, तो सभी आए मेले का आयोजन में, जो भव्य आयोजन हुआ है उसमें शिरकत करें अपनी। तो चलिए और भी हम किसी से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आई हैं। मैं दीनदयाल नगर से। दीनदयाल नगर से ये आई हुई हैं, तो माता के दर्शन 2 साल बाद मिले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि जो ये धूप पड़ रही है, तो मैं तो सभी को देख रही हूँ कि मतलब बिना स्टॉल वगैरह के सब, किसी को धूप की बिल्कुल चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं, और माता के दर्शन की इतनी आस्था लगी हुई है कि इतनी कड़क तेज़ धूप में भी सब आए हुए हैं। तो चलिए हम और भी किसी से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है 2 साल बाद माता के दर्शन करने के बाद। चलिए निकलता था, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नाग देवता निवास करते हैं और जिन्हें बब्बा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर शंकर जी की पिंडी भी विराजमान है, और बोला जाता है कि जो नाग देवता है वो साल में एक ना एक बार सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये गुफा देखिए आप। उस तरफ से जो गुफा दिखाई थी वही दरवाजा जो यहाँ ये आप देख रहे हैं गुफा, दूसरी तरफ से भी है, मतलब गुफा के 2 दरवाजे हैं जो कि रानगिर मंदिर तक जाते हैं, फिलहाल अभी बंद हैं, और यहाँ पर जानवरों का कहा जाता है खतरा होता था, इसलिए बंद कर दिए गए हैं। तो आप देखिए गुफा भी। तो ये
थी सागर टीवी न्यूज की नवरात्रि पर्व पर खास पेशकश। हम कोशिश करेंगे कि 9 दिनों तक कोई ना कोई मंदिर जो प्रसिद्ध है हमारे सागर में, हम आपको माता के दर्शन करवा सकें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।